हेलो माय डियर स्टूडेंट माय नेम इज़ प्रियल एंड मैं आज आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगी ब्लड रिलेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखाई थी जिसमें मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ब्लड रिलेशन्स कैसे कैसे होते हैं क्या क्या रिलेशन फॉर्म होते हैं वो सब सिखाए थे और मैंने आपको थ्री फॉर्म सिखाए थे जिसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन फॉर्म अप होते हैं मीन्स बिल्डअप होते हैं अब मैं आपको कंटिन्यूशन में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो कॉम्पिटेटिव में आए हुए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास ये क्लास बायोलिंग रहेगी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी अब मैं करती हूँ अपनी क्लास स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिंपल सिखाऊंगी जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाए थे और इस क्लास में भी उनको मैं सबसे पहले बताऊंगी जिससे जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो भी आराम से ये लेक्चर अटेंड कर पाए ओके देखिए सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग सिखाए थे एंड सिंबल्स बताए थे देखिए फीमेल्स को मैं मोस्टली सर्कल से डिनोट करती हूँ जो भी फीमेल कैटेगरीज रहती हैं उनको मैंने सर्कल से डिनोट किया था मेल कैटेगरीज रहती हैं उनको मैं स्क्वायर से डिनोट करती हूँ मैरिड कपल्स रहते हैं उनको मैं डबल हॉर्जोंटल लाइन से शो करती हूँ ट्रीज ओके एंड सिबलिंग्स को मैं सिंगल हॉजोंटल लाइन से शो करती हूँ और डिफरेंस ऑफ जनरेशन मीन्स ये अगर सपोज आपके फादर हैं ये आप हैं तो आपके फादर और आप में एक जनरेशन का गैप है और सपोज ये उनके भी फादर हैं मतलब आपके ग्रैंड फादर तो इन तीनों में ही जनरेशन गैप हुआ तो ये जनरेशन गैप मैं वर्टिकल लाइन से शो करती हूँ केस आप इन सिंबल्स में अगर कंफर्टेबल ना हो तो मैं आपको कुछ और सिंबल्स बताती हूँ जो हम यूज करेंगे सॉल्व करते टाइम देखिए जैसे मैंने आपको बेसिकली बताया था मैं पर्सनली मेल के लिए स्क्वायर यूज़ करती हूँ फ़ीमेल के लिए सर्कल यूज़ करती हूँ हस्बैंड वाइफ के लिए डबल हॉर्जोनटल लाइन यूज़ करती हूँ ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल सिस्टर सिस्टर के लिए सिंगल एंड ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल ओके okay, आप और क्या कर सकते हो स्क्वायर की जगह आप वहाँ पे क्या प्लस साइन दे सकते हो जितने मेल कैटेगरीज होते हैं फीमेल को आप माइनस साइन दे सकते हो मैं सिंपली दो हॉर्जोन्टल लाइन से हस्बैंड वाइफ इफ मैरिड कपल्स को डिनोट करती थी इनने उसमें थोड़ा सा बस एरो का चेंजेस लाया है तो वो कुछ ज़्यादा चेंजेस लाएगा नहीं द सेम वे अगर ब्रदर ब्रदर हैं तो उसमें सिंगल लाइन विच मीन्स ये लोग क्या हैं ये लोग सिबलिंग्स हैं द सेम वे सिस्टर सिस्टर को आप सिंगल हॉर्जोंटल लाइन से बता दोगे मतलब सिबलिंग्स को आप मोस्टली सिंगल हॉर्जोंटल लाइन से बता देते हो ये एरो लगाना हो आपको लगाइए नहीं तो आप सिंपली हॉर्जोंटल लाइन से भी इन दोनों को शो कर सकते हैं ठीक है इन दोनों का कनेक्शन द सेम वे ब्रदर सिस्टर को भी आप ऐसे ही कनेक्ट करोगे स्टेजेस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे अभी भी मैं बताऊंगी आपको ये फाइव स्टेजेस समझने हैं फर्स्ट स्टेज में आप मान के चलते हो कि आपके ग्रेट पेरेंट्स हैं ठीक है उनसे जो नीचे वाली जनरेशन है मतलब वो आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन हुई तो उसको हम सेकंड स्टेज बोल देते हैं उनसे भी नीचे वाली जनरेशन कौन हुई आपकी खुद की जनरेशन जो थर्ड जनरेशन बोल देते हैं आपसे नीचे वाली जनरेशन कौन सी हुई जो आपके चिल्ड्रंस की जनरेशन होगी या फिर आपके नेफ्यू या फिर नीस की जनरेशन होगी उनसे नीचेली जनरेशन कौन होगी आपकी ग्रैंड की होगी ठीक है तो ये फाइव स्टेज या फिर ये फाइव जनरेशन होते हैं अब हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले आपको इंग्लिश में देन हिंदी में रीड करके बताऊंगी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ माय मदर्स सेड दिस वुमेन्स हस्बैंड इज़ योर मदर्स सन इफ आई हैव नो ब्रदर देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड द वुमेन इन द फोटोग्राफ ऑप्शन दिए हैं आपको अब मैं हिंदी में बताती हूँ एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मेरी माँ ने कहा इस महिला का पति आपकी माँ का बेटा है अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो फोटो में दिख रही महिला और मेरे बीच क्या संबंध है ठीक है अब मैं आपको करती हूँ डायरेक्ट सॉल्व तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ माई मदर said। मतलब बोल कौन रहा है मेरी मदर बोल रही है मतलब जो पर्सन है उसकी मदर बोल रही हैं अब वो क्या बोल रही हैं दिस वुमेन्स हस्बैंड इज़ योर मदर्स सन तो देखिए सबसे पहले आपको डबल कोलन में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा मतलब डबल कोलन में जो सेंटेंस होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा दिस वुमेन्स हस्बैंड मतलब सपोज वो बोल रही हैं कोई एक वुमेन है वुमेन है इसलिए हम क्या ले रहे हैं उसको सर्कल के अंदर और या फिर माइनस साइन भी ले लेते हैं दिस वुमेन्स हस्बैंड हस्बैंड को आप कैसे शो करोगे डबल डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से और हस्बैंड है मतलब मेल है तो इसको आप स्क्वायर या फिर प्लस साइन से शो कर सकते हो हस्बैंड ठीक है दिस वुमेन्स हस्बैंड इज योर मदर्स सन मतलब वो बोल रही हैं कि इस वुमेन का जो हस्बैंड है वो आपकी मदर का सन है मतलब आपकी मदर कौन हुई या आपकी मदर है सपोज ठीक है ये आपकी मदर है उनका बेटा है मदर है इसलिए हमने उसको किसमें बनाया सर्कल के अंदर या फिर नेगेटिव साइन शो किया अब ये क्या हो सकता है ये पर्सन जो है पर्टिकुलर हस्बैंड वो आपका भाई भी हो सकता है सपोज आप ये हो या फिर ये हो आपका जेंडर तो आपको पता नहीं है आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव मतलब आप मेल हो या फिर फीमेल हो तो ये पर्सन आपकी मदर का बेटा कहलाया और आप भी अपनी मदर के बेटे या फिर बेटी कहलाए तो मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कहलाया आपका सिबलिंग कहलाया मतलब भाई कहलाया ठीक है लेकिन देखिए क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ आई हैव नो ब्रदर अगर आपका कोई भाई हुआ ही नहीं तो फिर कैसे आप रिलेट करोगे तो देखिए अगर आपका ये कोई भाई होगा ही नहीं तो ये खुद आप नहीं होगे तो आप हो जाओगे दिस इज यू मतलब ये आप खुद हो जाओगे आई तो आप कैसे बना सकते हो देखिए अब देखिए ये मदर है ये मदर किस को पॉइंट कर रही है एक वुमेन को पॉइंट कर रही है ठीक है और क्या पॉइंट कर रही है कि जिस वुमेन का हस्बैंड है वो कौन है आपकी मदर का बेटा है लेकिन आपका कोई और भाई है नहीं तो इस वुमेन का जो हस्बैंड होगा वो आप ही तो होंगे ठीक है तो आपको समझ में आया आपने कैसे रिलेट किया तो आपको इससे समझ में आया और अच्छे से दिखाती हूँ ये जो मदर है ये बोल रही है किससे बोल रही है आपसे बोल रही है क्या बोल रही है कि ये जो वुमेन है ये ये वुमेन ये जो वुमेन है इसका जो हस्बैंड है वो मेरा बेटा है मतलब उनका सन है लेकिन आप भी तो आपकी मदर के बेटे हैं बट क्वेश्चन और क्या बोल रहा है आई हैव नो ब्रदर तो तो आप आप वो खुद होंगे पर्सन ठीक है तो समझे ये जो वुमेन को पॉइंट कर रही थी मदर उनका जो हस्बैंड है और मदर का जो बेटा है वो आप ही है आप मतलब आई बोल सकते हो यू बोल दो या फिर आई बोल दो तो आपको मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब कि बताइए वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई आई समझ में आया आपको आई कौन हुए आई आप खुद हुए वॉट इज द रिलेशनशिप बिट्वीन आई एंड द वुमेन इन द फोटोग्राफ मतलब आपको बताना है आई का दिस इज आई और इस वुमेन का क्या रिलेशन कहलाया तो ये दोनों कपल ही तो हो गए हो गए ना कपल और कपल को मैं कैसे डिनोट करती हूँ डबल हॉर्जोंटल लाइन ठीक है तो आपको आंसर क्या मिल गया कपल और कपल की जगह आप क्या बोल सकते हो हस्बैंड एंड वाइफ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर थर्ड हिंदी में क्या हो जाएगा पति और पत्नी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ जेड जेड इज अ फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट द सन ऑफ जेड हाउ वाई इज रिलेटेड टू जेड ठीक है आपको मैं हिंदी में रीड करती हूँ एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं जेड एक्स का पिता है लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है वाई किस प्रकार से जेड से संबंधित है ठीक है तो आपको ये बताना है देखिए आपसे मेनली क्या बोल रहा है सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन को सॉल्व करें एक्स वाई आर चिल्ड्रन ऑफ जेड मतलब ये एक्स है और ये वाई है ये चिल्ड्रन किसके हैं जेड के, है? के? इसलिए हम इनको एक जनरेशन ऊपर बनाएंगे ठीक है अब आपको अभी तो पता नहीं है एक्स और वाई का जेंडर क्या है तो आप इनको प्लस माइनस दोनों लिख दो ठीक है लेकिन ये बच्चे तो हैं कंफर्म Z के तो अगर ये Y Z का बेटा नहीं है तो 100% बेटी होगी मतलब Z की Y कौन होगी होगी डॉटर हो ओके तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ देखिए जो X है और Y है ये कौन है चिल्ड्रन हैं Z के मतलब बच्चे हैं किसके Z के ठीक है तो एक जनरेशन हमने क्या बनाया इनको नीचे बनाया ये कौन कहलाए इन दोनों के फादर कहलाए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो वाय है वो जेड का बेटा नहीं है तो 100 परसेंट जो वाय होगा वो बेटी ही होगी क्योंकि बच्चे तो हैं ये दोनों जेड के और ये वाय बेटा नहीं है तो 100 परसेंट क्या होगी डॉटर होगी किसकी होगी डॉटर जेड की होगी तो आपको क्या कंक्लूजन मिला कि y इज अ डॉटर ऑफ z ठीक है अब आपने इन दोनों को आपस में रिलेट कैसे करके बताया हॉरिजॉन्टल लाइन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है कि ये दोनों क्या है भाई बहन या फिर सिबलिंग्स हैं ओके और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये जो एक्स है इसका जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसको प्लस और माइनस दोनों ही लेंगे मतलब इसका जेंडर क्या हुआ अननोन हुआ है ठीक है तो हमारा आंसर देखिए कौन सा करेक्ट हो गया तो हाउ y इज रिलेटेड टू z मतलब y किस प्रकार से z से रिलेटेड है y z की क्या है बेटी है मीन्स डॉटर है या फिर बेटी है अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इफ ए इज सी सन सी एंड क्यू आर सिस्टर जेड इज क्यूज मदर एंड पी इज सन ऑफ जेड हाउ ऑफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू ए ऑप्शन Q इज ए डॉटर

ठीक है आपको यह बताना है अब सबसे पहले इसका बना लो आप डायग्राम तो आपको ये सारे जो ऑप्शन हैं उनमें से एलिमिनेट करते बन जाएंगे जो गलत है और करेक्ट वाला भी आपको मिल जाएगा सबसे पहले देखिए ए इज सी सन मतलब सी जो है उसका बेटा कौन है ए है अभी क्या हमें सी का जेंडर तो पता नहीं है अब हम लेकिन हमें ए का जेंडर पता है क्योंकि वो सी का सन है तो मतलब ये क्या होगा मेल होगा अब देखिए क्या बोल रहा है सी एंड क्यू आर सिस्टर सी और जो क्यू है वो क्या है बहने हैं बहने हैं मतलब ये दोनों क्या ऑन हुई फीमेल्स हुई ठीक है तो हमने इनको सर्कल में बनाया और कनेक्ट किससे किया इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की बहने हुई मतलब ये दोनों एक दूसरे की सिबलिंग्स हुई अब देखिए Z इज क्यूज मदर जो Z है वो Q की मदर है देखिए Z कौन है Q की मदर समझ में आया तो इसको भी हमने सर्कल से बनाया और एक जनरेशन और ऊपर बनाया क्योंकि क्योंकि क्या हो गई मदर हो गई अब देखिए पी इज अ सन ऑफ जेड जो पी है वो सन है किसका जेड का पी कौन है सन है जेड का देखिए जेड का सन बना देते हैं ठीक है तो देखिए हमने पी को सन बनाया मतलब ये मेल है इसलिए हमने उसको स्क्वायर के अंदर बनाया और उसको क्या दे दिया हमने पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन डिनोट फॉर मेल तो आप इतने से क्या समझे क्यू की जो मॉम है मतलब क्योंकि की जो माँ है वो कौन है जेड है और जेड का बेटा कौन है पी है तो मतलब समझ में आया आपको क्यू पी और सी तीनों भाई बहन कहलाए मतलब क्यू पी और सी सिबलिंग्स हुए अब देखिए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अब आपको बताना है ये आपका डायग्राम बन गया अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है Q is A's grandfather क्या नहीं है देखिए Q कौन कहलाया क्या? Q ए की आंट कहलाई ओके okay, या फिर क्या कहलाई मौसी कहलाई हिंदी में बोल सकते हो आप अब नेक्स्ट क्या है P is the maternal uncle of A. P कौन है maternal uncle of A? A के maternal uncle कहलाए पी मिटर्नल मतलब क्या होता है मदर साइड से अंकल कहलाए यस देखिए जो ए है इनकी मदर कौन कहलाए सी मतलब ए की मॉम कौन कहलाइ सी और सी के ही ब्रदर कौन कहलाए ये पी तो इनडायरेक्टली ए के मामा कहलाए ना ये पी या फिर आप बोल सकते हो ए के कौन कहलाए है पी मिटर्नल अंकल कहलाए तो आपका ये करेक्ट हो गया ऑप्शन फर्स्ट वाला तो रॉन्ग था तो अगर आपको करेक्ट ऑप्शन मिली या तो ये आपका आंसर हो गया सेम वे में आप इस हिंदी में टिक कर दो पी ए के मामा कहलाए और भी आपको चेक करने तो देख लो पी एंड ए आर कजन पी और ए कज़न है क्या नहीं पी और ए एक दूसरे से क्या एक जनरेशन का गैप है तो एक के दूसरे के कज़न्स तो हुए नहीं पी ए का क्या हुआ अंकल हुआ अब देखिए सी एंड पी आर कजन सी और पी कज़न्स कहलाए क्या नहीं कजन्स तो नहीं कह रहे चचेरे भाई तो नहीं कहलाए ये दोनों सगे भाई बहन कहलाए मीन सबलिंग्स कहलाए तो ये वाला भी अपना रॉन्ग हो गया तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी देखिए यही मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख के बताया है अब हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सी का बेटा कौन है ए है ठीक है सी और क्यू एक दूसरे की बहने हैं हाँ हैं इसलिए माइनस साइन और इनको सर्कल में बनाया है और क्या बोल रहा है क्यू की मदर कौन है जेड है देखिए है क्यू की मदर जेड अब बोल रहा है जेड का बेटा कौन है पी जेड का बेटा पी हो गया ओके तो आपको कनेक्शन समझ में आया ये तीनों क्या हो गए सिब्लिंग्स हो गए भाई बहन हो गए और पी ए का कौन कहलाया पी ए का मामा कहलाया या फिर बोल सकते हो पी इज अटर्नल अंकल ऑफ ओके बिकॉज वो किसके साइड से हैं वो उसकी hmm. मदर के साइड से हैं इसलिए मटर्नल अंकल अगर यही चीज़ फादर के साइड से ड्रॉ होती है तो उसको क्या बोलते हैं पिटर्नल अंकल ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ वुमेन वॉकिंग विद अ बॉय मेट अनदर वुमेन ऑन बींग आस्ट अबाउट हर रिलेशनशिप विद द बॉय एंड शी सेज़ माई मिटरनल अंकल एंड हिज मिटर्नल अंकल्स मिटरनल अंकल आर ब्रदर्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वुमेन एंड द बॉय आपको मैं हिन्दी में रीड करके बताती हूँ एक लड़के के साथ चल रही एक महिला दूसरी महिला से मिलती है और लड़के के साथ उसके संबंध में पूछे जाने पर वह कहती है मेरे मामा और उसके मामा के मामा भाई हैं महिला और लड़के के बीच क्या संबंध है ठीक है आपको ये बताना है तो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे ड्रॉ करके देखोगे देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे जब भी आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं और इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना रहता है कि कौन बता रहा है मतलब कौन डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशन्स तो कौन डिस्क्राइब कर रहा है शी डिस्क्राइब कर रही है और शी कौन कहलाई वो वुमेन कहलाई तो आप वुमेन से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे शी सेज माय मटर्नल अंकल मतलब वुमेन के मिटर्नल अंकल बना लीजिए सबसे पहले ये वुमेन है इनके मिटर्नल अंकल मिटर्नल मतलब वुमेन की जो मदर होंगी ये मदर कहलाएं उनके जो ब्रदर हुए ये कौन कहलाए वुमेन के मिटर्नल अंकल अब इतना हमने क्लियर किया अब देखिए हिज मिटर्नल अंकल हिज कौन कहलाए यहाँ पे जो बॉय है जिसके बारे में वो बता रही हैं ये बॉय तो हिज कौन कहलाए यहाँ पे बॉय अब वो बॉय के बारे में क्या बता रही हुई है ये हो गया बॉय हिज मिटर्नल अंकल पहले उसके मिटर्नल अंकल बना लीजिए मटर्नल अंकल मतलब उसकी जो मदर होंगी बॉय की उनके जो ब्रदर होंगे ये ब्रदर कहलाए ये कौन कहलाएंगे बॉय के मिटर्नल अंकल ठीक है तो ये उसके हो गए मिटर्नल अंकल बॉय के लेकिन ओशन और क्या बोला है मिटर्नल अंकल्स मिटर्नल अंकल मतलब इनके भी मिटर्नल अंकल मतलब इनके मिटर्नल अंकल कौन कह रहा है ये सपोज इनकी मदर कहलाएं ओके okay, एक जनरेशन ऊपर अब उनके जो ब्रदर कहलाएंगे ये ब्रदर कहलाएंगे उनके तो ये कौन कहलाए मिटर्नल अंकल के मिटर्नल अंकल अब आप क्या समझे ये एक स्टेटमेंट हो गया और एक ये स्टेटमेंट हो गया आपने इन दोनों को कनेक्ट किसके किया आर ब्रदर मतलब जो वुमेन के मिटर्नल अंकल है और बॉय के मिटर्नल अंकल के भी मिटर्नल अंकल आपस में क्या है एक दूसरे के भाई हैं मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए एक दूसरे के ब्रदर हुए तो ये आपको चार्ट समझ में आया अब आपको क्या बताना है वॉट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वुमेन एंड बॉय अब आपको बताना है ये जो वुमेन है और ये जो बॉय है इनका आपस में रिलेशन कैसा है तो देखिए आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे सबसे पहले आप ऊपर वाली जनरेशन देखो ये वाली जनरेशन तीन जनरेशन हो गई ये जनरेशन वन हो गई ये जनरेशन टू हो गई और ये जनरेशन क्या हो गई बॉय वाली जनरेशन थ्री सबसे पहले आप ऊपर वाली जनरेशन को देखोगे ये वुमेन की मदर कहलाई सपोज ठीक है और ये कौन कहलाया जो इसके मिटर्नल अंकल थे उनकी मदर कहलाई तो ये चारों आपस में भाई बहन कहलाए समझ में आ रहा है और भाई बहन है मीन सिबलिंग है तो हमने इनको कैसे बनाया है एक ही लाइन में बनाया है और कनेक्ट किससे किया है हॉर्जोंटल लाइन से किया है कनेक्ट तो अगर ये चारों भाई बहन कहलाए तो इनके जो नीचे जनरेशन वाले होंगे मतलब ये वुमेन और ये मिटर्नल अंकल और ये बॉय की जो मदर होंगी ये आपस में कजन्स कहलाएंगे तो इसी हिसाब से बॉय बॉय कौन कहलाएगा वुमेन वुमेन का का ये का भांजा कहलाएगा भांजा मतलब आप और क्या बोल सकते हो वुमेन और बॉय एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है आंट एंड नेफ्यू जैसे और अच्छे से देखते हैं हम देखिए जो वुमेन है उससे जब पूछा जा रहा है कि उसका और बॉय का क्या रिलेशन है तो वो वुमेन क्या बता रही है ये सपोज वो वुमेन है वो वुमेन बता रही है कि जो मेरे मटर्नल अंकल है मतलब जो मेरे मामा हैं और ये जो गाय है मतलब ये जो बॉय है इसके मामा के मामा इसके मामा के मामा मतलब बॉय के मिटर्नल अंकल के भी मटर्नल अंकल आपस में क्या है एक दूसरे के भाई हैं तो आप कैसे लिंक कर सकते हो वुमेन एंड बॉय का रिलेशन देखिए तो आप सबसे ऊपर वाली जनरेशन जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये चारों लोग एक दूसरे के भाई बहन ही कहलाए सिबलिंग्स कहलाए इनकी बेटी कौन कहलाई ये वुमेन कहलाई और इनका बेटा कौन कहलाया बॉय का मिटर्नल अंकल कहलाया अब इनसे नीचे वाली जनरेशन कौन हो गई वो वुमेन खुद बॉय की जो मदर हैं और मॉय के जो क्या है मिटर्नल अंकल हैं मतलब मामा हैं ये तीनों एक जनरेशन के हो गए ये दोनों तो रियल भाई बहन होंगे लेकिन आपको इस वुमेन का और बॉय की मदर का रियल रिश्ता तो किसी ने डिस्क्राइब किया नहीं है तो ये आपस आप में कजन्स भी हो सकते हैं कजें इन द सेंस बॉय की जो मदर है और वुमेन है ये आपस आप में रियल सिस्टर्स भी हो सकती हैं या फिर कजन सिस्टर्स भी हो सकते हैं तो आपको ये रिलेशन तो अभी कन्फर्म पता नहीं है लेकिन आपको इतना तो कन्फर्म हो गया भले ये वुमेन और जो बॉय की मदर हैं ये आपस में काजन सिस्टर्स या फिर रियल सिस्टर हूं लेकिन ये बॉय और वुमेन के बीच में तो बस एक ही रिश्ता बनेगा वो रिश्ता कौन सा हो जाएगा आंट का और बॉय वुमेन का क्या कहलाएगा नेफ्यू कहलाएगा और हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे वुमेन और बॉय का रिलेशन कैसा हो गया भांजा और मौसी वाला ओके okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन वॉज गोइंग विद अ गर्ल समी आज हिज रिलेशनशिप विद द गर्ल ही रिप्लाइड माई पिटर्नल अंकल इज द पिटर्नल अंकल ऑफ हर पिटर्नल अंकल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द गर्ल ओके हिंदी में रीड करती हूँ एक आदमी एक लड़की के साथ जा रहा था किसी ने उससे पूछा लड़की के साथ उसका क्या संबंध है उसने उत्तर दिया मेरे चाचा उसके चाचा के चाचा हैं पुरुष और लड़की के बीच में क्या संबंध कहला है ये आपको बताना है अब बोल क्या रहा है माई पिटर्नल अंकल माय मतलब क्या हुआ मैन के पिटर्नल अंकल मैन के पिटर्नल अंकल बनाते हैं अपन देखिए ये मैन हो गया इसकी मदर होंगी उनके जो ब्रदर होंगे वो कौन कहलाएंगे मैन के पिटर्नल अंकल कहलाएंगे ओके okay, अब क्या बोल रहा है माय पिटर्नल अंकल इज पिटर्नल अंकल ऑफ हर पिटर्नल अंकल मतलब दो बार आपका रिपीट हो रहा है पिटर्नल अंकल पिटर्नल अंकल मतलब जो ये गर्ल होगी इसकी जनरेशन यहां से दो जनरेशन नीचे होगी ये एक जनरेशन हो गई और एक जनरेशन क्या हो गई ये हो गई ठीक है समझ में आया अब देखिए तो आप इसे समझे क्या माई पिटर्नल अंकल इज मतलब ये जो पिटर्नल अंकल है वो कौन है इज द पिटर्नल अंकल ऑफ हर पिटर्नल अंकल मतलब दो जनरेशन का गैप आएगा उसके बीच में मतलब हर के बीच में और ये जो पिटर्नल अंकल है इनके बीच में तो ये कौन सी जनरेशन के कहलाई इनसे दो जनरेशन छोटी कहलाई तो इसको हम क्या बनाएंगे नेगेटिव साइन से या और सर्कल से शो करेंगे अब इसके पिटर्नल अंकल बना लीजिए ये कौन हो गया इसके पिटर्नल अंकल स्टिल कन्फ्यूजन है अच्छे से डायग्राम से देखिए मैन है मैंने? मैन क्या बोल रहा है मेरे जो पिटर्नल अंकल हैं पिटर्नल अंकल मतलब क्या हुआ फादर के जो ब्रदर हैं या फिर बोल सकते हो पिटर्नल अंकल को चाचा हैं ओके पिटर्नल मतलब क्या होता है फादर साइड से जो चाचा कहलाए फादर साइड से जो अंकल कहलाए ठीक है थीके? तो ये मैंने उसके ये फादर हैं उनके ब्रदर कहलाए बहन के पिटर्नल अंकल अब ये पिटर्नल अंकल कौन है इस गर्ल के इस गर्ल के पिटर्नल अंकल के भी पिटर्नल अंकल कहलाए मतलब ये वो गर्ल कहलाई इनसे दो जनरेशन छोटी ठीक है तो इस गर्ल के पिटर्नल अंकल देखिए कौन कहलाए है पिटर्नल अंकल कहलाए है इसके फादर के ब्रदर और उनके भी पिटर्न अंकल कौन कह रहा है उन दोनों के फादर के ब्रदर ओके तो आपको क्वेश्चन में रिलेशन किसका पूछा है देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट मैन एंड गर्ल आपको ये मैन जो है इसके बीच में और इस गर्ल के बीच में रिलेशन बताना है ओके okay, तो आप कैसे बता सकते हो ये मैन कौन कहलाएगा गर्ल का अंकल कहलाएगा और ये गर्ल कौन कहलाएगी मैन की नीस कहलाएगी अब देखिए मेन क्वेश्चन कंफ्यूज कहाँ करता है आपको देखिए अब आप एक चीज़ और बोल सकते हो अगर इस गर्ल के फादर को आप वो मैन ले कर चलते हो सपोज यहाँ पे ये वो मैन है सेम मैन ओके जो बता रहा है ये मैन है वो अगर यही चीज़ आप ऐसे फॉलो करके देखो तो मैन के पिटर्नल अंकल कौन कहना है ये भी कहलाए ये कहलाए और सेटिस्फाई करके देखिए गर्ल के पिटर्नल अंकल के पिटर्नल अंकल ये कहलाए तो ये डायग्राम यहाँ भी फॉलो हो रहा है तो मैन को अगर आपने क्या बना दिया गर्ल का फादर बना दिया तो ऐसे भी फॉलो हो रहा है तो आपको मेन आप क्या करना पड़ेगा अब आपको देखने पड़ेंगे ऑप्शंस तो दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं ये मैन गर्ल का फादर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है ये मैन गर्ल का कौन हो सकता है अंकल हो सकता है और अंकल कौन सा अंकल हो सकता है इसका पिटर्नल ही अंकल होगा क्योंकि फादर साइड से अंकल कहला रहा है ना ये फादर साइड से ही अंकल कहला रहा है इसलिए इसका पिटर्नल अंकल कहलाएगा अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट मिल जाता है तो वो करेक्ट हो जाता है तो देखिए आपके ऑप्शन क्या है ऑप्शन पहला है ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ये तो रिजेक्टेड है फादर एंड डॉटर यस है अब देखिए ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है एंड देखिए ऑप्शन फोर मिटर्नल अंकल एंड नीस मतलब मदर साइड से अंकल और भतीजी कहलाए क्या नहीं मामा भतीजे तो ये लोग नहीं कहलाए अगर हम उस केस में भी देखें जो सेकंड केस बिल्डअप हो रहा है उससे ये कौन कहलाए इसके चाचा कहलाए

वॉट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अजय एंड सुनील यदि अजय का पुत्र सुनील के पुत्र का चाचा है तो अजय और सुनील के बीच में क्या संबंध है आपको ये बताना है तो आप बना के देख लो तो सबसे पहले अजय का सन बना लो ये अजय हो गया ये अजय का सन हो गया एक जनरेशन नीचे अब क्या बोल रहा है इफ अजय सन इज द अंकल ऑफ सुनील सन मतलब जो सुनील है उसका बेटा मतलब सुनील का जो सन है उसका अंकल कौन कहलाया उसका अंकल कौन कहलाया अजय का बेटा तो आपको समझ में क्या आया जो अजय का बेटा मतलब अजय का सन और सुनील आपस में क्या हुए सगे भाई कहलाए मतलब सिबलिंग कहलाए इसलिए हमने सिंगल हॉर्जोंटल लाइन फॉर्म कर ली अब आपको बताना है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अजय एंड सुनील अब आपको अजय और सुनील के बीच में रिलेशनशिप बतानी है तो ये दोनों के बीच में भी सेम रिलेशन फॉलो हुई अजय कौन कहलाए सुनील के फादर कहलाए तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फादर एंड सन मतलब पिता और पुत्र डायग्राम देख लीजिए ओके अब okay. इस डायग्राम से भी कंफर्म कर लीजिए अजय का बेटा सुनील के बेटे का चाचा कहलाता है मींस अजय सन्स इज सुनील सन्स अंकल हो रहा है क्लियर सो यू कैन से अजय सन एंड सुनील आर सिबलिंग्स सो यू इजिली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अजय एंड सुनील अजय इज अ फादर ऑफ सुनील एंड सुनील इज अ सन ऑफ अजय ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इफ ए मैं फादर इज द सन ऑफ हजबेंड ऑफ अ वूमेन वॉट इज द वुमेन टू द मैन मतलब यदि एक पुरुष का पिता एक महिला के पति का पुत्र है तो पुरुष के लिए महिला क्या कहलाए सॉल्व करके देखते हैं डायग्राम से तो हम डायग्राम क्वेश्चन के साथ बनाते जाएंगे सबसे पहले मैन के फादर बना लीजिए ये सपोज मैन है मैन के फादर मतलब एक जनरेशन उनसे ऊपर ओके इफ मैन फादर इज अ सन ऑफ हजबेंड ऑफ वुमेन तो ये जो फादर है वो किसके बेटे हैं इज अ सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ वुमेन मतलब ये कोई वुमेन है उनके ये हजबेंड है तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ अ मैं फादर इज अ सन ऑफ मतलब मैन के जो पिता है वो सन है किसके हजबेंड ऑफ द दुमेन मतलब वुमेन के जो हस्बैंड है उनके सन कहलाए मतलब ये वुमेन के हस्बैंड इस मैन के ग्रैंडफादर भी ओके okay, तो रिलेशनशिप आपको क्लियर हुआ और देखिए अच्छे से तो आप इससे बोल सकते हो हिंदी में बताती हूं पुरुष के पिता महिला के पति के पुत्र कहलाए ओके okay, समझ में आ रहा है इंग्लिश में बताती हूँ मैंस फादर इज अ सन ऑफ वुमेन्स हजबेंड मतलब ये जो मैन के फादर हैं, वो इस वुमेन के हस्बैंड के कौन कहलाए सन कहलाए मतलब बेटे कहलाए तो आपको रिलेशन क्या बतानी है यू हैव टू टेल मी द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन मीन्स हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन मतलब किस प्रकार से वह महिला उस पुरुष से संबंधित है ठीक तो है तो वह महिला कौन कहलाई उस पुरुष की मतलब ये महिला कौन कहलाई इस पुरुष की ये महिला दादी कहलाई या फिर ग्रैंड मदर कहलाई इस पुरुष की ओके तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड मदर या फिर दादी ओके अब यहाँ करती हूँ मैं एंड अपने क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कॉम्पिटेटिवस में आए हुए हैं जैसे सी सेट बैंकिंग और एसएससी एस में जो आए हुए हैं ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग